नया साल आ रहा है बाबा, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन इस नए सफर में आप हमेशा साथ देना। नमो नमो जय नमो शिवाया। पहले वीडियो कॉल करेंगे, यहाँ पर वीडियो कॉल करने के बाद साउंड को म्यूट कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेंगे यहाँ पर स्पीड में जाके। वीडियो को स्लो करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। किसी भी बैकग्राउंड को आप ऐड कर सकते हो। अगर इस बैकग्राउंड के साथ एडिट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद थोड़ा जूम कर लेंगे कुछ इस तरह। बाद में भी आप जूम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा जूम करने के बाद वीडियो का ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आके फॉरवर्ड का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वीडियो लेयर को लॉन्ग प्रेस करके ऊपर का सेट ले जाएंगे कुछ इस तरह करके। इतना करने के बाद इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके। फुल स्क्रीन करने के बाद क्रोमा का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, देख के जहाँ आपको ठीक ठाक लग रहा है वहाँ पर रख लेंगे। कुछ इस तरह करके एडजस्ट करेंगे इस राउंड वाला सर्कल को। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे देख के, ठीक है। स्पिल को भी, स्पिल को -0% कर लेता हूँ। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल्टर में जाके एडजस्ट का ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे +100। ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं देख के एडजस्ट करेंगे, -8 के आसपास कर लेता हूँ। सेचुरेशन को भी थोड़ा कम, -4 के आसपास। उसके बाद बैकग्राउंड के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, माइनस का साइड लेके -54 कर लेता हूँ। देख के एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करेंगे, इस फिल्टर को अप्लाई करेंगे R9। फिल्टर को अप्लाई करने के बाद बैकग्राउंड को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देख के पूरा अच्छा से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, बढ़िया से पूरा एडजस्ट करने के बाद लास्ट में आके इस ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट कर लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड का ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर लेंगे वीडियो के हिसाब से। इतना करने के बाद बैकग्राउंड का ऊपर फास्ट में आके एक की फार्म कोड करेंगे। लास्ट में आके भी और एक की फार्म कोड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद बैकग्राउंड को जूम कर लेंगे, इतना तो कर लेता हूँ। उसके बाद देख सकते हो वीडियो को कुछ इस तरह होगा वीडियो हमारा। इतना करने के बाद यहाँ पर फ्लाइंग बार्ड को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन फ्लाइंग बार्ड्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन बार्ड को ऐड करने के बाद थोड़ा जूम कर लेंगे यहाँ पर। जूम करके क्रोमा ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस राउंड वाला सर्कल को देख के एडजस्ट करके रखना है यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद इंटेंसिटी को 100% करेंगे और स्पिल को 0%। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिल्टर में जाके एडजस्ट का ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को +100, ब्राइटनेस को -100, सेचुरेशन को भी -100। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस फ्लाइंग बार्ड को भी जूम करके एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, पूरा अच्छा से देख के एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन लेयर को बीच में ले आएंगे कुछ इस तरह लॉन्ग प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट कोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इस एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना है महादेव। लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक व्हाइट अच्छा लग रहा है देखने में। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रखना है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके। उसके बाद टेक्स्ट का ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेंगे वीडियो के हिसाब से, लास्ट तक इतना तक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मोशन का ऊपर क्लिक करके स्काल को सिलेक्ट करेंगे। उसका ड्यूरेशन को 3.70 सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद म्यूजिक को ऐड करेंगे यहाँ पर। किसी भी म्यूजिक को आप ऐड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। म्यूजिक को ऐड करने के बाद वीडियो हमारा कंप्लीट एडिट। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। वीडियो को थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। नया साल आ रहा है बाबा, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन इस नए सफर में आप हमेशा साथ देना। अगर ब्लर इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में, नहीं तो वीडियो का लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के ऐड कर सकते हो ब्लर इफेक्ट को। वीडियो को सेव कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके।